ये बहुत बड़ा ट्रैकर समझता हूँ आपको। लोग यहाँ से यूं समझ लेते हैं कि हिम्मत हार चुके हैं यहाँ से। बोल, हम रास्ता भूल चुके हैं और इस जंगल में फंसे हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल महावीर बागली में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारसू गांव में, जहाँ पे गाड़ी का लास्ट स्टेशन है और हम लोग आज जा रहे हैं बटर फेस्टिवल के लिए दयारा बुग्याल। बारसू गांव जो है उत्तरकाशी से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गाड़ी का ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद आपको पैदल चलना होता है। ये गेट के बगल में एक बड़ा सा तालाब और यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होता है। और पूरे रास्ते में क्या क्या होता है, कैसा कैसा रास्ता है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और इस हसीन रास्ते का आनंद लीजिए। बारसू गांव से दयारा बुग्याल की दूरी 8 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही सुंदर वादियाँ, बहुत ही हसीन नज़ारा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये 8 किलोमीटर की दूरी बड़ी आसानी से कट जाएगी। हम लोग जो है बटर फेस्टिवल के लिए दयारा बुग्याल जा रहे हैं, लेकिन हम रास्ता भूल चुके हैं और इस जंगल में फंसे हैं अभी। ये पीछे से हिमांशु आ रहा है और कोहरा भी लग गया यहाँ जंगल में। दोस्तों, बहुत ही घना जंगल यहाँ पे। ये देखिए, हमें खुद पता नहीं चल पा रहा है कि हमको जाना कहाँ है। इस रूट में जो है गूगल पे भी आपको ये रूट नहीं मिलेगा। हमने बहुत कोशिश की, बहुत सर्च मारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर हमको यहाँ पे 2-3 भाई लोग उत्तरकाशी से मिले, वो भी आ गए यहाँ पे, हमारे साथ ही चल रहे हैं अभी। उनका कहना है कि हमें रास्ता पता है, हम पहुँच ही जाएंगे। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। ये यहाँ का रास्ता कुछ पता नहीं चल रहा है, रास्ता है या जंगल है। हमारी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। ये मेरा भांजा बॉबी, ये बहुत बड़ा ट्रैकर समझता अपने आपको, इसकी भी बुरी हालत हो चुकी है। रास्ता मामा जी नहीं बैठ गया, हमें बोला कि शॉर्टकट मारो। और बॉबी परेशान होता हो कन्नाली से। ये भाई लोग हमारे साथ उत्तरकाशी से, एक बहन भी हमारे साथ में, और पूरा अंदेशा हमको कि हम भटक गए पूरे तरीके से। वॉच टाइम आज ही कंप्लीट करवा दूंगा। ये देखो इस बॉबी को यार, जब यार पता क्या, इधर ना नेटवर्क आ रहा, फिर ऊपर झाड़ियां बेटा, एयरटेल तो साफ आ रहा है, एयरटेल नहीं आ रहा, नेट आ रहा है। बहुत ही बुरा रास्ता और ये फंस गए हम, देखिए कोई सारे परेशान कंफ्यूज। दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हमको, और ये है हमारा रास्ता। इन पत्थरों से होके हमको जाना पड़ रहा है भाई, ये डायरेक्शन है। और एक भाई पहुंच चुके आगे, ये वाली शो कर रहे हैं रास्ते में जाने के लिए। हाँ, ये आ जाओ। और यादव साना, इसके पीछे हिमांशु राणा, और भाई सारे परेशान। भाई लोगों, भूल के भी कभी शॉर्ट रास्ते के चक्कर में मत आ जाना, ये घूमते रहोगे हमारी तरह 3 घंटे से, जैसे हम घूम रहे हैं जंगल के बीच में। ये देखिए कर दिया। ये देखिए गाइस, ये सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रास्ता किसी को भी पता नहीं है।
और आप जंगल की स्थिति देख सकते हैं कैसी है यहाँ पे, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है हमारा यहाँ। 3 घंटे से घूम रहे हम जंगल में, यहाँ पे एक गार्ड है, गधेरा कहा जाता है जिसको, यहाँ पे हम लोग पानी पियेंगे। अभी भी हम 100% श्योर नहीं है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि शायद अब हम पहुँच ही जाएंगे। सारे लोग बहुत थक चुके हैं पानी पीते यहाँ पे, बहुत बुरी हालत सब लोगों की। ये देखिए गाइस, यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कपड़े सारे गीले हो गए पसीने से। कभी तक खड़े होने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। उत्तरकाशी के 3 बंदे मिले थे, एक भाई हैं देखो, पहले तो ये है बड़े भाई, आपका नाम क्या है? यश, यश करके। ये भाई भी ट्रैकिंग के बहुत शौकीन है, इनको जंगल वंगल कुछ पता नहीं लगता, कंटिन्यू चलते रहते हैं और साथ में और को बोलते हैं चलते रहो, रास्ता बहुत सही है। अगले भाई हमारे यहाँ पे सोमुदा, अब तो पूरा नाम क्या है भैया आपका? अरुण, अरुण करके। ठीक, आप पहली बार आए इस रास्ते पे? ठीक, और एक बहन और मिली, आपका नाम क्या है? अंजलि बहुगुणा करके। अब ये इन लोगों के साथ में है, लेकिन ये लोग यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, हिम्मत हार चुके हैं यहाँ से, बोला अपनी जान हमको। नहीं हार थी हिम्मत, पर इनकी हिम्मत भाग चुकी है यहाँ। बहन का बोलना है कि मैं भले हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन इन दो भाइयों बोला जो साथ में, इन्होंने हिम्मत हार दी है के ये ले रहे हैं यहाँ से यू टर्न। इनके भरोसे आई थी, पर इन्होंने मुझे आज कितना नचाया, इतना नचाया। जैसे मैं आपको बता रहा, हम रास्ता भटक गए थे और हम लोग आए यहाँ पे, तो हम अभी 3 बंदे, मैं, आदर्श और हिमांशु, हमने भी हिम्मत नहीं आ रही, हम लोग चलेंगे जहाँ तक भी होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम दयारा जाके रहेंगे। तो ये लोग यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और आगे हम बचेंगे 3 बंदे, मैं, आदर्श और हिमांशु। तो हम चल रहे हैं अभी फ्रेंड्स आगे, तो आगे मैं आपसे मिलाऊँगा इस सीट से। बीच में माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं आपको रास्ते के ट्रैक पे वाकिफ नहीं करवा पाया, क्योंकि हम लोग खुद ही रास्ता भटक गए थे, तो आपको कोई गलत एडवाइस क्यों दूँ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद। क्या मेरे को रास्ते की उम्मीद जगी है? लेकिन नहीं, अभी हम कंटिन्यू नाले पे चढ़ते जा रहे हैं, रास्ता नहीं है कहीं भी। ये देखिए, इन्हीं पत्थरों पर चढ़ के हम चल रहे हैं। ये देखिए हमारा रास्ता, हम इस रास्ते से निकल रहे हैं अभी, कुछ भी हो हमें पहुंचना है दयारा बुग्याल। बस हमारे साथ के 3 लोग वापस जा चुके हैं, 3 बचे हम, अभी चल ही रहे हैं लगातार, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आपको उस पास से भी आपको उस बात को बताएंगे अब हम कहाँ पहुँचेंगे इसके बाद। जैसे हम इस जंगल से, इस नाले से बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा बताऊंगा कि हमें अब रास्ता मिल गया। ये देखिए गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग रास्ता भूल चुके हैं और कैसे कैसे यहाँ से आना पड़ रहा है। ये देखिए आ गया, जरा सा भी अगर यहाँ पैर फिसला तो आदमी सीधे नीचे खाई में। ये देखिए, ये सारे जो है 20-22 साल के बच्चे हैं, ये देखो कितना मुश्किल हो रहा है इनको यहाँ चढ़ने में। ये देखिए, पर लेकिन जो भी है दोस्तों, जैसा भी है, लेकिन ट्रैक है ज़बरदस्त। हम भले रास्ता भूल गए, कुछ भूल गए, पूरा एंजॉय ले रहे हैं यहाँ जंगलों का रास्ता भटकते हुए। रुकना पड़ेगा अब हमें। ये देखिए, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं अभी, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानेंगे और चलते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जंगल में ये जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई यहाँ पे, ये देखो, मुझे नहीं पता किसी बाघ वगैरह ने, किसी शेर ने इनका शिकार किया होगा। ये देखिए, हमें खुद पता नहीं है हम हैं कहाँ पे अभी, बहुत ही डरावना मंजर यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ट्रैक,
मैं तो एडवाइज करूँगा कोई किसी को भी अगर यहाँ पे आना हो कभी शॉर्टकट या मेन रास्ता छोड़ने की गलती मत करना जैसे कि हम कर चुके हैं। तो ये यहाँ तक हम आ चुके हैं, गाय वगैरह यहाँ पे चुंगती हुई, अभी हमको और आगे निकलना है यहाँ से। बहुत ही मुश्किल भरा ट्रैक ये देखिए, इन बच्चों को भूख भी लग गई है, बेचारों ने सुबह नाश्ता किया था। मजा आ गया आज। लेकिन कहा जाता है हरिवंश राय जी ने, कहा जाता है कि हरिवंश राय ने जो जिस रास्ते गया हुआ है उसी के पीछे जाया करो, ये नहीं कि नहीं, नहीं, नहीं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने उस पर लिखा है कि अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा में कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये कहावत इन बच्चों में चरितार्थ होती है, ये अभी जो घूम ले आप एक लगाओ। फाइनल दोस्तों हम जंगल से बाहर निकल गए, मेन रास्ते पे आ चुके हैं। बटर फेस्टिवल तो आज कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि हम खुदरा सर, ये लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से। वहाँ आपको दर्शन करवाएंगे दयारा के बुग्यालों का, पर शुक्र है भगवान का हम उस जंगल से बाहर निकल पाए और अब हम मेन रास्ते पे। ये देखिए लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आगे कैसा कैसा फ्रेंड्स हम बताते रहेंगे आपको। ओके हमें दयारा बग्याल के बहुत पास, यहाँ पर लोगों ने अपने छानियाँ बनाई हुई हैं। जिन लोगों के पास यहाँ पे मवेशी होते हैं, गाय भैंस वगैरह जो बुग्यालों में रहते हैं, उनके लिए लोगों ने यहाँ पे अपना रहने का एक, और ये सामने दिखाऊँ आपको कैंपिंग भी है इधर, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे बुग्याल की कैंपिंग हो रखी है, और फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं दयारा बग्याल में। जो आज बटर फेस्टिवल था उसमें वहाँ पे लोगों के लिए जो खाने की व्यवस्था की गई थी ये वो जगह है, और यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट ये खाना कुछ लोग खा भी रहे हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं, इस बार मैं इस फेस्टिवल को कैप्चर नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ट्राई करेंगे। और एक चीज़ बड़ा अखड़ता है फ्रेंड्स हमारे लोगों की, बहुत जो खुद मुझे अच्छा नहीं लगता है, हमारे लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, सारी फ्री सर्विस थी यहाँ पे। जिन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे बटर फेस्टिवल कराया बहुत अच्छा, उन लोगों ने इतनी ऊपर, इतने सड़क से लगभग 8-10 किलोमीटर ऊपर आ करके उन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए खाने की व्यवस्थाएं करी, कई जगह पे डस्टबिन भी रखवाए। लेकिन ये देखिए कैसे हमारे लोग ना खाना खाने के बाद भी एक जगह पे इसको किसी ने भी इसको कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। जिंदगी अगर हम अपने पहाड़ों पे ऐसे फैलाते जाएंगे कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों के लिए घातक होगा। मैं कोशिश करूँगा अगर यहाँ पर कुछ देर रुका इसको कुछ कलेक्ट करूँगा जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। बहुत बुरी बात है जो नहीं होना चाहिए था, उन लोगों ने हमारे लिए यहाँ पे इतना अच्छा सा प्रोग्राम किया, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की, और हम लोग खाना खाने के बाद इस तरह के इसको फैला दें, वेरी बैड। यहाँ पे खाना लगभग समाप्त हो चुका है और हम लेट पहुँचे, होना भी चाहिए, टाइम ही बहुत हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, प्रोग्राम भी थे तो बहुत सारे लोगों ने खाना खाया, लगभग ख़त्म हो चुका है, कुछ लोग वेट कर रहे भी खाने के लिए।